इस धरती से लगभग करोड़ों साल पहले डायनासोर्स के विनाश हुआ था एक एस्टेरॉयड की वजह से, और उस एस्टेरॉयड ने पूरे धरती को ही हिला करके रख दिया था, जिससे इस धरती पर कई सारे डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स देखने को मिली थी। और आखिर में एक बेहद डरावनी और ठंडी आइस एज ने बचे कुचे डायनासोर्स के साथ लाखों प्रजातियों की जीव और धरती पर मौजूद लगभग 99% वन जंगलों को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया था। बट इस मैसिव आइस एज से बचकर मिट्टियों के अंदर रहकर और मरे हुए जीवों की मांस खा करके कुछ प्रजातियों ने खुद को इवॉल्व करता रहा धरती के बदलते वातावरण के हिसाब से। सो वक्त गुजरता रहा, समय भी बीतता गया, और उस हिमयुग के ठीक अंतिम समय में इस धरती पर एक नए और बहुत ही दुर्लभ प्रजातियों के जीव उभर कर आने लगे। एंड वो प्रजातियां और कोई नहीं बल्कि हम इंसान ही थे। बट हमारी टॉपिक ये नहीं है, तो फिर मैंने जो ये इतिहास बताया ये किस काम का, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। क्योंकि बात ये है कि 6 से 7 महीना पहले यूएसए की नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने एक हाईली इमरजेंसी अलर्ट जारी किया था, क्योंकि रिसर्चर्स को ये सूचना मिली थी कि नॉर्थ पोल की हायर एटमॉस्फेरिक तापमान सडनली भयानक रूप से डिस्ट्रक्ट हो चुका है, और इसी वजह से ही यह ठंड 2024 में आकर एक खतरनाक कोल्ड वेव्स में बदल चुका है, जिससे ये कोल्ड वेव्स नॉर्थ पोल के नीचे यूएसए, कनाडा और यूरोप तक लीक हो जा सकती है, ये प्रेडिक्शंस भी लगाया गया है। और अगर ये सच में हुआ तो यकीन मानो ये धरती पर होने वाले अब तक की सबसे डेडली कोल्ड वेव्स में से एक होगा। बिकॉज 2019 में जिस ठंड से यूएसए पर 22 लोगों की बेरहमी से मौत हो गई थी, उस ठंड से ये कोल्ड वेव्स तकरीबन 100 गुना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। सो क्या ये एक नए मास एक्सटेंशन की जन्म हो रही है या फिर कुछ और? तो सच में अगर ये एक नए मास एक्सटेंशन या डेडली कोल्ड वेव्स की शुरुआत है, तो फिर ये कोल्ड वेव्स बनेगा कैसे और कब तक ये पूरे धरती को ही अपने चपेटों में ले लेगा, इसके बारे में हमारे पास सही से सही जानकारी होना चाहिए। क्योंकि ये सुनने में जितना ज्यादा डरावना है, असलियत में ये जानकारी उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक और रहस्य से भरा पड़ा है। क्योंकि जिस हिमयुग की वजह से मानव प्रजातियों की निर्माण हुआ था, शायद उसी हिमयुग की वजह से धरती की सबसे रेयर क्रिएचर्स इंसान फिर से खत्म हो जाने वाला है। और अगर ये सच में एक हकीकत है, तो हमें इस विंटर को अंडरएस्टिमेट ना करके इस डेडली पैटर्न को और भी अच्छे से समझना चाहिए 2024 से लेकर अगले कुछ सालों में होने वाले और भी ज्यादा भयंकर ठंड से बचने के लिए। और इस मैसिव आइस एज की शुरुआत से लेकर ये कोल्ड वेव्स कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है, इस कोल्ड वेव से धरती की क्लाइमेट पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाली है, एंड आखिर में क्या सच में इस आइस एज से हम यानी मानव जाति पूरी तरह से खत्म हो जाने वाले है, इन सभी चीजों को बारीकी से शेयर करने वाले हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से। सो अगर आप हमारे इस वीडियो पर नए हो या ऐसे ही एक्सक्लूसिव एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखना पसंद करते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर से कर लेना। बाकी और ज्यादा वक्त जाया ना करके चलिए असली मुद्दे की ओर आगे बढ़ते हैं। लेट्स बिगिन। Taking hold of half the country tonight. 5 major ice ages. 200 million are adapting now. 2024 में बढ़ते ठंड और बदलते वातावरण के हिसाब से रिसर्चर्स ने ये प्रेडिक्शन लगाया कि जिस डेडली कोल्ड वेव्स की हम बात कर रहे हैं उसकी शुभारंभ हो चुकी है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये जानलेवा कोल्ड वेव्स बन कैसे रही है? सो कोल्ड वेव्स यानी कि ठंडी हवाओं की लहरें, और ये लहरें कभी कभी इतना ज्यादा ठंड और खतरनाक बन जाती है कि जिस वजह से फसल, पर्यावरण और बुनियादी पर भी बेहद भयानक रूप से चोट पहुंचती है। वन जंगलों में पेड़ पौधे सूखने लगती है, पशु पक्षियां मरने लगती है, और इंसानों के लिए भी हर रोज की जिंदगी जीना बेहद मुश्किल बन जाती है। जिसके फलस्वरूप 2019 में आने वाले कोल्ड वेव्स के कारण से यूएसए की सबसे गर्म स्थान टेक्सास, जहां पर ठंड इतना ज्यादा बढ़ गया थी कि जिस वजह से सिर्फ 2 ही दिनों के अंदर तकरीबन 22 लोगों की मौत हो चुकी थी, पूरे यूएसए पर लगभग 5000 फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा था, और इन सभी के चलते यूएस गवर्नमेंट को अप्रोक्सीमेटली $950 मिलियन का नुकसान भी झेलना पड़ा था। और अगर आप वर्तमान पर लौट आए, तो ये डेडली कोल्ड वेव्स कैसे बन रहा है, इसके पीछे बस एक ही वजह हो सकती है, और वो है पोलर वॉर्टेक्स की। ये मैंने नहीं, बेस्ट रिसर्चर्स ने प्रेडिक्शन लगाया है। पर ये पोलर वॉर्टेक्स क्या है, इसके ऊपर पूरा का पूरा 20 मिनट का वीडियो बन जा सकती है। पर अगर ऊपर ऊपर से जाना जाए, तो हमें वर्तमान समय से थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमारी धरती की सबसे लोएस्ट टेम्परेचर वाली स्थान है धरती की दो पोल्स पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोच कर देखा है कि धरती की इन दो पोल्स पर ही इतना ज्यादा ठंड क्यों होता है? क्योंकि इन पोल्स पर हर वक्त 400 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से ठंडी हवाओं की लहरें वावंडर के रूप से घूमता रहता है, जो हम आंखों से नहीं देख सकते हैं पर महसूस जरूर से कर सकते हैं। और इसी कोल्ड वेव्स या साइक्लोन का नाम है पोलर वॉर्टेक्स। इस नेचुरल फिनोमिना को फर्स्ट डिटेक्ट किया था फेमस स्वीडिश मीटियोलॉजिस्ट कार्ल गुस्टाफ रॉस
कॉस्बी ने। यह बात है आज से ठीक 80 साल पहले की, 1930 से लेकर 1940 के बीच, जब वर्ल्ड वॉर टू अपने पीक में था, तब रॉस्बी ने फाइटर प्लेन एक्सपेरिमेंट के दौरान एक चीज फॉलो किया था कि वॉर प्लेन्स की बॉम्ब अक्सर ही अपने टारगेट को मिस कर रहे थे और वो प्लेन्स ऑलरेडी हाई ऑल्टीट्यूड में थी, तो उन्हें लगा कि इसके पीछे शायद उस हाई ऑल्टीट्यूड वाली विंड्स का हाथ है, जिसे उन्होंने अर्ली 20th सेंचुरी में ही डिटेक्ट कर चुके थे। सो उन्होंने इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया जिससे कि उन बॉम्ब्स को सही जगह पर ड्रॉप करवा सके। पर जानते हो, बाद में जाकर इन्हीं मैथमेटिकल मॉडल से पता चला कि पोल्स पर घूमने वाले ये ठंडी हवा की लहरें सिर्फ दोनों पोल्स को ही नहीं पूरे दुनिया की वेदर को इन्फ्लुएंस करती है, और इसीलिए इस कोल्ड वेव्स की नाम रखा गया पोलर वॉर्टेक्स। और जिस ठंडी लहरें पूरी दुनिया की वेदर को इन्फ्लुएंस करती है उसका नाम है पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। पर जानते हो खास बात क्या है, ये जेट स्ट्रीम सिर्फ दुनिया के मौसम को ही नहीं बल्कि दोनों पोल्स पर घूमने वाले पूरी की पूरी पोलर वॉर्टेक्स को ही ट्रैप करके रखते हैं। बट कभी कभी ये पोलर वॉर्टेक्स इतना ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक बन जाती है कि जिस वजह से जेट स्ट्रीम भी उस ठंड हवाओं की लहरें को रोक कर रख नहीं पाते हैं और उसका प्रभाव पूरे दुनिया भर में कोल्ड वेव्स के रूप में फैल जाती है। सो रिसर्चर्स के मुताबिक कुछ ही सालों के अंदर फिर से वो मुसीबतें इस धरती पर टूट पड़ सकती है, ये अनुमान लगाया गया है। सो अगर सच में ये कोल्ड वेव्स इस धरती पर भयानक रूप से अपना प्रभाव छोड़ने वाला है तो अगले कुछ सालों के अंदर इस धरती की हालत क्या होने वाला है, चलिए आगे देखते हैं। किसी भी जगह पर मौसम की तापमान दिन ब दिन कमते रहना एक नॉर्मल विंटर सीजन की शुरुआती संकेत होती है, बट अगर यही चीज थोड़ी बड़ी मात्रा में होने लगे तो वो एक नए मास एक्सटेंशन की जन्म दे सकती है। एक बर्फानी को हम तभी आइस एज की दर्जा दे सकते हैं जब वो इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी दोनों को ही चोट पहुंचा सके। एक ह्यूमिड के प्रभाव से इस धरती पर क्या क्या हो सकती है, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बढ़ता ठंड और हवा की वजह से वन जंगलों पर मौजूद पेड़ पौधे धीरे धीरे सूखने लगती है, जिसके कारण से वहाँ पर रहने वाले पशु पक्षियाँ खाना और रहने लायक घर के बगैर मरने लगती है। तालाब नदियाँ और समुद्र के ऊपरी हिस्से में रहने वाले मछलियों के साथ और भी कई सारे प्रजातियों के जीव ठंड बढ़ने के कारण से मरने लगते हैं, क्योंकि नदी या समुद्र पानी का ऊपरी हिस्सा नीचे के तुलना में ज्यादा गर्म होती है, जिसके कारण से ऊपरी हिस्से में रहने वाले हर एक जीव इस भयानक ठंड को झेल नहीं पाते हैं और एक एक करके धीरे धीरे मरने लगते हैं। एंड इन सभी के चलते फूड चेन टूट जाती है और जिसके कारण से एक एक करके छोटे छोटे जीवों से लेकर बड़े बड़े जानवर भी बाद में जाकर खाना और रहने लगे घर के बगैर धीरे धीरे मरने लगते हैं, और हर जगह पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ एंड ठंडी हवाओं की लहरें ही देखने को पाए जाने लगते हैं। सो अब तक तो हो गया सिर्फ पर्यावरण की बातें, पर बुनियादी और इंसानों का क्या, क्योंकि एट द टाइम हर जगह पर लाखों प्रजातियों की जीव भयानक रूप से विलुप्त हो जाने के कगार में, ठंड के मारे बड़े बड़े पेड़ पौधे भी सूखने लगे हैं और फसलों का क्या हाल होगा वो तो आप खुद ही सोच सकते हो, और जिसके बगैर इंसानों भी धीरे धीरे मरने लगेंगे क्योंकि फूड सप्लाईज बंद हो जाएगी, पीने लायक पानी तक मिलना बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसके अलावा भी एडुकेशन, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन एंड बिजनेस तक ठंड के मारे धीरे धीरे बंद पड़ जाएगी। तो और क्या, ऐसे ही होगा इस दुनिया से मानव सभ्यता की विनाश, मुझे नहीं लगता। इसके ऊपर आप लोगों की क्या राय है कमेंट पर जरूर बताना, पर मैंने जो ये खतरनाक और जानलेवा ह्यूमिक के बारे में बताया, क्या ये प्रेडिक्शन सरासर झूठे है? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, एक ह्यूमिक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को ही हिला करके रख दे सकती है। पर इंसान आज इतने आगे बढ़ चुके हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ऐसे नौबत आने ही नहीं देगी। बट हाँ, धरती पर असामान्य गर्मी, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट और पिघलते आइसबर्ग के कारण से क्लाइमेट चेंज बार और आखिर में एक आइस एज के ही सूचना होने की संभावना बन जाती है। पर नो फिकर, आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, सिर्फ छोटे मोटे दिक्कत और मुसीबतों को छोड़कर ये बस थोड़ा सा जानकारी समझ लेना कोल्ड वेव्स, पोलर वॉर्टेक्स और एक डरावनी आइस एज के लेकर। बाकी अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ जानने को मिला है तो प्लीज एक लाइक जरूर से ठोक देना, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब या फॉलो जरूर से कर लेना ऐसे ही और एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए। एंड धरती पर होने वाले अब तक की सबसे डेंजरस वोल्केनिक इरप्शन के बारे में जानना है तो ऊपर की राइट वाली वीडियो को क्लिक करके आ जाओ। मैं आपसे भाई पर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।